ये जनाजा एक आतंकी का है, उसे अपने किए की सजा मिले। उसने देशद्रोह किया तो सेना ने उसका दम निकाल लिया। अब इसी मुल्क में यहाँ की मिट्टी पर एक आतंकी को जहन्नुम भेजने पर छाती पीटी जा रही है। मन्ना अनवानी एएमयू का पूर्व रिसर्च स्कॉलर सेना के हाथों मारा गया क्योंकि उसने अपने लिए आतंक का रास्ता चुना था। लेकिन इसी देश में एक जमात ऐसी है जो भारत की खाती है लेकिन पाकिस्तान की गाती है। एएमयू में आतंकी के शुभचिंतकों ने जनाजे से पहले की नमाज अदा करने की कोशिश की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये एक समय पे एएमयू स्टूडेंट था और ये काफी पहले एएमयू से इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, बर्खास्त हो गया यहाँ से, और अभी एएमयू का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने जो है इकट्ठा होने का प्रयास किया वो कुछ लड़के उसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको लिखा गया है, उसमें जो है तीन लड़कों को सस्पेंड किया। एएमयू में कुछ छात्र ऐसे हैं जो भारत विरोधी साजिश के शिकार बन गए हैं, लेकिन ज्यादातर छात्रों को ये पसंद नहीं कि उन्हें शक के नजरिए से देखा जाए, उन पर उंगलियां उठी। इनकी नजर में मन्ना अनवानी आतंकी था और रहेगा, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। लाइब्रेरी में कोई भी बच्चा नमाज पढ़े और वो भी आतंकवादी के खिलाफ, आतंकवादी को जो सेना मार रही है उसे तो कुत्ते की मौत मानना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सेना का, जो भी आतंकवादी हो वो इस तरह मानना चाहिए। अलीगढ़ से श्रीनगर तक मन्नान वानी को बुरहान वानी बनाने की कोशिश हो रही है। मन्नान की आड़ में नफरत की आग फिर से भड़काने की कोशिश हो रही है और इस आग में महबूबा मुफ्ती जैसे नेता सहानुभूति का घी उड़ेल रहे हैं। जरा देखिए सूबे की पूर्व सीएम साहिबा कैसे एक आतंकी के मार गिराए जाने पर मातम के शब्द बोल रही हैं। आज एक पीएचडी स्कॉलर ने अपनी जिंदगी के बदले मौत को चुना और एनकाउंटर में मारा गया। उसकी मौत हमारे लिए नुकसान है क्योंकि हम पढ़े लिखे युवा लड़कों को रोज खोते जा रहे हैं। महबूबा जी का ये कहना कि वो पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये बड़ी निंदापूर्ण है। आप इस राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं और उस दौरान आपने पत्थरबाजों को छोड़ा। आज जो आपके किए हुए हरकतें हैं, आपने जो एसपीओ बनाया उनको, वो हथियार लेकर के भाग रहे हैं। वक्त आ गया है कि मन्ना अनवानी को दूसरा बुरहान बनाने की साजिश पर पानी फेर दिया जाए। गिलानी गैंग का षड्यंत्र नाकाम करना होगा। अलीगढ़ से अकरम खान के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।